बस घर में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है और वीडियो बना नहीं हो रहा है, तो सोचा कार के अंदर आके बनाऊँ। यहाँ पे किसी को डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा, मेरे को भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा वीडियो बनाने में, सो इधर आ चुका हूँ। अकॉर्डिंग टू मी, आलू बैंगन सब्जी बनाने के लिए आलू बैंगन जितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट उसका मसाला है। अगर मसाला नहीं डालेंगे वो सब्जी में, तो वो जो सब्जी है उसका टेस्ट नहीं आएगा और कोई मतलब ही नहीं बनता। सो वैसे ही एक ब्लॉग बनाने के लिए जितना ही कंटेंट और वो इंसान ज़रूरी है, उतना ही इम्पोर्टेंट है सिनेमाटोग्राफी का होना और सिनेमेटिक शॉर्ट्स का होना। उसी वजह से मेरा हर एक ब्लॉग में थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना कुछ सिनेमेटिक शॉर्ट्स रहता ही है। मेरे को ये सिनेमाटोग्राफी में मतलब बहुत पहले से ही बहुत ज़्यादा पसंद है सिनेमेटिक शॉर्ट्स निकालना, बट मेरे को मतलब बिल्कुल भी नहीं आता था सिनेमेटिक शॉर्ट्स कैसे निकालना है क्या है। मैं पहले भी ट्राई किया था, मतलब बहुत पहले से ट्राई करता था बट बिल्कुल नहीं कर पाता था मैं। प्रोबेबली ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं ब्लॉग स्टार्ट किया, ब्लॉगिंग करना स्टार्ट किया, और भी बहुत सारे रीज़न है बट ये भी एक रीज़न है। और पहले मैं सिनेमेटिक शॉर्ट्स निकालता था, मतलब इतना गंदा शॉर्ट्स रहता था, इतना ख़राब वीडियो रहता था, मतलब क्या ही बताऊँ। अभी अभी थोड़ा ये वीडियो बना बना के थोड़ा बहुत सीख रहा हूँ, पहले बिल्कुल नहीं आता था, अब चलो 0.001% तो आता ही है थोड़ा बहुत। देख ही हर वीडियो में देखते ही हो, थोड़ा ना कुछ रहता ही है। अभी रिसेंटली मतलब एक सिनेमेटिक शॉर्ट्स निकाला हूँ, देखो आप लोग वीडियो और कमेंट करो कैसा है वीडियो। सिनेमेटिक शॉर्ट्स नहीं था, बस थोड़ा सा था। तो आप लोग मेरा फर्स्ट वीडियो जो जो देख चुके हैं तो उनको पता, अगर याद है तो याद है, अगर नहीं याद है तो देखो, ऊपर आई बटन में रहेगा वीडियो, तो देखो और बताओ मेरे को कितना ज़्यादा मतलब इम्प्रूव हुआ है या क्या हुआ है सिनेमेटोग्राफी में, कमेंट करके ज़रूर बताना। और मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, टिल देन स्टे सेक्सी।